हुकूमत और नून लीग ताल्लुकात बर्फ पिघलने लगी। विफाक और शहबाज शरीफ में मामलात खुली अदालत में तय। बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक दरख्वास्त हुकूमत ने वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत केस की पैरवी ना कराने की यकीन दहानी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में है। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। भारी टैक्स लगाकर बोझ डाला जाएगा, बिलावल भुट्टो का बयान। कहा पीटीआई हुकूमत के मुआशी जराइम कभी मुआफ नहीं किए जाएंगे, अवाम मुआशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएंगे। सेनेट कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप इन कैमरा इजलास में इंतखाब। मुशाहिद हुसैन वजारत दिफा, शरी रहमान वजारत खारजा की चेयरमैन होंगी। सनअत पैदावार की चेयरमैनशिप फैसल सब्जवारी को मिलेगी। कानून और इंसाफ कमेटी के चेयरमैन अली जफर, इत्तलात नशरियात के फैसल जावेद होंगे। मोहलिक कोरोना के वार, मजीद 80 अफराद हुए शिकार। जांबहक अफराद की तादाद 20,930 हो गई। 1,843 नए मरीज सामने आ गए। मुसलसल दूसरे रोज 2,000 से कम केसेस रिपोर्ट। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात कब होंगे? बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट की रिपोर्ट साथ ले जाएँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई एडवाइजरी जारी। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की एक और अहम कामयाबी। WHO ने साइनोफार्म के बाद साइनोवैक की भी मंजूरी दे दी। हुज्जाज को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि आजमीन हज के लिए साइनोवैक के इस्तेमाल की इजाज़त दे। शदीद गर्मी में आवाम के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमत कम कर दी। 43 पैसे फी यूनिट कमी का रिलीफ आइंदा माह के बिलों में मिलेगा। कमी अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस में की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर नहीं होगा। PSL के बकिया मैचेस 7 जून से शुरू होंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को दुबई में क्वारंटीना कर दिया गया। PCB ने भारतीय प्रोडक्शन स्टाफ के लिए 5 जून से काम की इजाज़त मांग ली। अबू धाबी हुकूमत आज दोपहर तक जवाब देगी। ICC का T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का फैसला।